नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका हम 40वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 40वें लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का 10वां यूनिट जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये जो 10वां यूनिट हम पढ़ाने वाले हैं इसमें क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी, वो कौन सी है? कल्टीवेशन ऑफ राइस। इसी राइस की कल्टीवेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइस की कल्टीवेशन से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं जो पैडी होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। जो पैडी या धान होता है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पैडी और राइस। ठीक, ये राइस का बोटेनिकल नेम होता है। इसके अंदर जो 2N पाए जाते हैं, 2N क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 24, 24 क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अबाउट 90% ऑफ द राइस ग्रोन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन एशिया। बात समझिए, कह रहा है कि जो राइस की क्रॉप है ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन का ये स्टेपल फूड होता है। मतलब दुनिया की 60% जनसंख्या ऐसी है जो दिन भर में कम से कम दो बार चावल खाती है। मतलब कुछ भी खाया जाए तो चावल, जर चाहे दाल चावल खाओ, चाहे सब्जी चावल खाओ, चाहे मछली चावल खाओ, चाहे कुछ भी चावल खाओ, मतलब चावल इम्पॉर्टेंट है। चावल ह्यूमन बीइंग की डाइट में रोज सम्मिलित किया जाता है। लगभग 60% दुनिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो रोज चावल खाती है, उनके लिए बड़ा स्टेपल फूड होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट, अब इसमें जो चावल खाने वाले लोग हैं ये ज़्यादातर चावल खाने वाले लोग कहाँ पर हैं? साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब ऐसे समझो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। ये सब लोग चावल खाते हैं। ठीक, और यही लोग चावल खूब प्रोड्यूस भी करते हैं। मतलब दुनिया में 90% जो चावल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? एशिया कॉन्टिनेंट में ही होता है। दुनिया का लगभग 90% चावल का प्रोडक्शन एशिया में ही होता है। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज ए क्रॉप ऑफ वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन्स ऑफ सब ट्रॉपिकल। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो जो पैडी की क्रॉप है ये वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब ऐसा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी रहती है, वहाँ पर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन के ह्यूमिड रीजन में भी ये ग्रो किया जा सकता है। मतलब कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? ट्रॉपिकल में ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर वेट हो, यानी कि अच्छा खासा पानी बरसता हो, और सब ट्रॉपिकल में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अब ट्रॉपिकल वेट रीजन क्या होता है? ये केरला, कर्नाटक, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है ये होता है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन। और ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल में यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्र आते हैं। तो आपको पता होगा कि इन सब क्षेत्रों में पैडी की जो कल्टीवेशन होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है। इन इंडिया राइस ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजिशन एमंग द सीरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय जो राइस है वो क्या है कि जितने भी सीरियल, देखो इसे समझो बात को, कि इंडिया में जितनी भी सीरियल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली क्रॉप राइस है। पैडी की क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली सीरियल क्रॉप है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो और चाहे एरिया की बात हो। और इसके बाद फिर कौन सा आएगा? इसके बाद वीट आता है। ये पहले और दूसरे पे होते रहते हैं, कभी राइस पहले पे चला जाता है, कभी वीट पहले पे चला जाता है। तो आपको जब एग्ज़ाम देने जाना हो तो उसके पहले ये डाटा रिलीज होता रहता है, तो आप देख के कंफर्म कर लीजिए कि हाँ इस समय राइस है सीरियल में प्रोड्यूस करने वाला या वीट है, दोनों बदलता रहता है। उसके बाद देखो, राइस कंटेंट लेस प्रोटीन, जो राइस की क्रॉप होती है इसके अंदर प्रोटीन बहुत कम पाया जाता है, 6-7% तक ही प्रोटीन पाया जाता है। व्हाइट राइस के अंदर 7.9% और ब्राउन राइस के अंदर 7.9% पाया जाता है। बात समझो कि जो राइस की क्रॉप होती है इसमें 6-7% तक
पाया जाता है। जो व्हाइट राइस होता है उसमें 6-7% तक प्रोटीन पाई जाती है, और जो ब्राउन राइस होता है उसमें 7.9% यानी कि 8% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एंड कंटेंट 2 to 2.5, 2-2.5%, ये जो कॉमा लगा है यहाँ पॉइंट लगा लेना, 2-2.5% इसके अंदर फैट भी होता है। लेकिन ये जो फैट होता है ये लॉस हो जाता है मिलिंग के समय, कब, जब इसकी हम पॉलिशिंग करते हैं, जब धान की कुटाई करते हैं, धान से हस्क निकालते हैं और पॉलिशिंग करते हैं, उस समय जो 2.5% फैट होता है ये निकल जाता है। तो हमें इसी वजह से पॉलिशिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं करना चाहिए चावल को, क्योंकि इससे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है चावल के अंदर वो भी चला जाता है, और उसके साथ साथ जो फैट है आपका ये भी बहुत कम हो जाता है। हलिंग परसेंटेज इन राइस इज 66% और 2/3 ऑफ पैडी। पैडी में हलिंग परसेंटेज कितना होता है, 2/3% या 66%। बात समझो, हलिंग का मतलब होता है, हलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उस राइस का जो हाल्म होता है यानी कि जो हस्क होता है उसको निकाला जाता है, यानी कि धान की कुटाई को ही हम बोलते हैं हलिंग। धान की क्रॉप से राइस को निकालने की प्रोसेस को ही बोलते हैं हलिंग। ये 60% होता है, मतलब कि अगर आप 1 क्विंटल गेहूँ लेके जाएं, 1 क्विंटल धान लेके जाएंगे और उसकी कुटाई करवाएंगे तो उसमें से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 66 किलोग्राम चावल मिलेगा। 33 किलोग्राम क्या निकल जाएगा, पॉलिश और हस्क, ये दोनों मिला के निकल जाएगा। उसके बाद इन जनरल सीरियल क्रॉप रिक्वायर अबाउट 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मटेरियल। कह रहा है कि जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जितने भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो मक्का हो, गेहूं हो, ज्वार बाजरा हो, ये सब जो क्रॉप्स होती हैं ये अगर 1 किलो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करना है उनको, 1 किलो ड्राई मैटर, चाहे वो मक्का हो ड्राई मैटर, और चाहे मक्के की पत्तियां हो, चाहे मक्के का स्टेम हो, मतलब टोटल 1 किलो अगर ड्राई मैटर उनको प्रोड्यूस करना है, ड्राई मैटर मतलब सूखा पदार्थ जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, तो चाहे वो मक्के का फल हो, चाहे मक्के का स्टेम हो, मतलब कुछ भी मक्का का हो जो बिल्कुल सूखा हो, तो उसको 1 किलोग्राम ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए मक्के की प्लांट या कोई भी सीरियल क्रॉप लगभग 400 से 500 लीटर पानी लेता है। मतलब 400 से 500 लीटर पानी सीरियल क्रॉप्स लेती हैं किसमें, 1 किलो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन 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 समझना, लेकिन जो राइस की क्रॉप है, राइस की क्रॉप लगभग 5,000 लीटर पानी लेती है 1 किलो राइस ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। ड्राई मैटर की बात नहीं हो रहा यहाँ, ड्राई मैटर की बात नहीं कर रहा है, इसमें केवल राइस ग्रेन की बात हो रही, मतलब जो राइस आप जो खाते हैं चावल, उस चावल को 1 किलोग्राम चावल प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉप ने 5,000 लीटर पानी कंज्यूम किया था। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है चावल को प्रोड्यूस करने में। ये OBC बैंक 2019 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 1 किलोग्राम राइस ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, तो कितना चाहिए, 5,000 लीटर ऑफ वाटर। इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉसेस, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रिड्यूस जोन सो दैट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डिलेड। अब बात समझो कि जो राइस की क्रॉप होती है ये मोस्टली ऐसी जगह पर कही जाती है, ऐसे जगह पर इसकी कल्टीवेशन होती है जहाँ पर खेत में पानी भरा रहता है। अब खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो लीचिंग के थ्रू लॉस हो जाएगा, लीचिंग के थ्रू जो न्यूट्रिएंट है वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, और दूसरी बात डीनाइट्रिफिकेशन भी होता रहेगा, अगर पानी भरा है खेत में तो डीनाइट्रिफिकेशन भी होगा। अब ये दोनों अगर प्रॉब्लम है और हमने खेत में नाइट्रोजन दे दिया तो क्या होगा कि नाइट्रोजन ज़्यादातर पोर्शन या तो डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से उड़ जाएगा या तो फिर नीचे लीचिंग लॉस के थ्रू ज़मीन के नीचे चला जाएगा, पौधों को बहुत कम मात्रा में मिलेगा। इसी वजह से ये किया जाता है कि जब भी आप यूरिया का एप्लीकेशन कर रहे हो, जब भी आप नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर डाल रहे हो खेत में, तो कब डालें उसको, किस जगह पर डालें, रिड्यूस सॉइल जोन में डालें, ठीक, रिड्यूस्ड जोन में डालना चाहिए। देखो ये ऑक्सीडाइज जोन होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन खूब ढेर सारा होता है, और ये होता है रिड्यूस्ड जोन, यहाँ पे एनारोबिक सॉइल होती है, यहाँ पर जो सॉइल है यहाँ पर एयर की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम डालेंगे, यानी कि देखो बात समझो, ये ऊपर का पानी है,
ये जमीन की सतह है। अब जमीन की सतह के अंदर अगर हम इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो इससे क्या होगा कि जो नाइट्रिक डिनाइट्रिफिकेशन है और लीचिंग का लॉस है ये काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा, समझ गए। तो जिससे अगर ये कम हो जाएगा डिनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग लॉस, तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। राइस फील्ड सबमर्ज इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज बेनिफिशियल। राइस की क्रॉप अगर हम ग्रो कर रहे हैं और फील्ड में 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है राइस की क्रॉप के रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए और ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। खेत में अगर 5 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरा हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन व्हिच इज 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन। राइस की जो क्रॉप होती है इसमें जितना प्रोटीन पाया जाता है उसमें लगभग 4% कौन सी प्रोटीन होती है, लाइसिन प्रोटीन होती है। द मेन प्रोटीन ऑफ राइस, अब राइस के अंदर जो मेन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, राइस के अंदर मेन प्रोटीन होती है ओराइजिन होती है। अभी मैंने कल ही आपको जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि वीट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, वीट के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होती है, गेहूँ के अंदर ग्लूटीन होता है, इसी की वजह से गेहूँ की रोटी आराम से फूल जाती है, वो गोल हम रोटी बना सकते हैं, ठीक, ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से। और राइस में कौन सी प्रोटीन होती है, ओराइजिन, ओराइजा सेटाइवा से ही ओराइजिन बना है, ऐसे याद कर सकते हो, ओराइजा सेटाइवा ओराइजिन, ओराइजा सेटाइवा में ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। 4% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, मतलब प्रोटीन जितनी पाई जाएगी उस प्रोटीन में 4% लाइसिन है, समझ गए बात। उसके बाद है प्रोपेनिल, जिसको हम स्टाम्प F34 कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है जो राइस की क्रॉप में यूज किया जाता है। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का मतलब ये होता है कि ऐसा हर्बिसाइड जो वीड के ग्रोथ होने के बाद डाला जाता है, जैसे जब खरपतवार उग गया हो खेत में तब अगर उसमें हम स्टाम्प F34 डाल देंगे तो खरपतवार का वो नाश कर देगा। ये राइस की क्रॉप में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। अब हम एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें कि जो राइस की क्रॉप होती है इसका एरिया कितना है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो सब देख लेते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में राइस का जो एरिया है सबसे ज़्यादा वो इंडिया में है, उसके बाद चाइना में है, उसके बाद इंडोनेशिया में है। टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्शन देख लें, प्रोडक्शन चाइना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर इंडिया है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, ये भी चेंज हो सकता है। प्रोडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, ये सब चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन इस समय क्या है, एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया का है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना का है और प्रोडक्टिविटी USA, जापान और चाइना का है, समझ गए बात। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, इंडिया में जो अगर हम देखें तो एरिया में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, इस समय जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय राइस का जो एरिया है, अभी तक तो जो डाटा हमको मिला है, इस डाटा के हिसाब से जो राइस है इसका एरिया इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल स्टेट में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद फिर बिहार में है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है, पंजाब में, 34 क्विंटल पर हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी राइस की कहाँ पर है, राइस की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब में है और वो कितनी है, वो है 34 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी 34 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो जो ओराइजा जीन है, जिसे ओराइजा सेटाइवा जीनस और स्पेसीज, जो बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है उसमें पहला नाम क्या होता है, जीनस का, और दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पेसीज को ड्राइव करता है। तो पहला जो ओराइजा है वो जीन है, तो ओराइजा जो जीनस है इसमें 24 स्पेसीज है, जैसे ओराइजा सेटाइवा है, ओराइजा ग्लेवरिमा है, ऐसे ढेर सारे हैं। तो उसमें 24 स्पेसीज में से केवल 2 ही स्पेसीज ऐसी हैं जिनको हम कल्टिवेट करते हैं। ओराइजा जीन में 24 स्पेसीज हैं जिनमें से हम केवल 2 ही स्पेसीज को कल्टिवेट करते हैं, केवल 2 ही स्पेसीज ऐसी हैं जिसकी हम खेती कर सकते हैं, बाकी जो 22 स्पेसीज बची वो किसी काम की
नहीं है, उनको हम कल्टीवेट नहीं करते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है, ओराइजा सेटाइबा डिप्लॉयड 2n, इसमें 24 होता है। ओराइजा सेटाइबा डिप्लॉयड होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। ये तीन तरीके का होता है ओराइजा सेटाइबा, जो ऐसे मैंने बताया, इसमें से 24 जिसमें से 22 बेकार हैं, दो ही किया जाता है। तो इसमें से पहला जो है वो ओराइजा सेटाइबा है। ओराइजा सेटाइबा में तीन तरीके किए जाते हैं, तीन तरीके में कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला है इट हैज़ थ्री मेन जियोग्राफिक रेसेस। अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द जियोग्राफी, ओराइजा सेटाइबा इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? जवानिका, जपोनिका और इंडिका। देख लेते हैं, इंडिका जो है, ओराइजा सेटाइबा इंडिका वाली जो वेराइटी है, वेराइटी नहीं है, स्पेसीज है, एक रेस है इसका, ओराइजा सेटाइबा का। ये ग्रो किया जाता है थ्रू आउट ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया एंड करेक्टराइज बाई टाल स्टेचर, वीक स्टेम, इलांगेट ग्रैन, ड्रॉपी लीव्स, लो प्रोडक्टिविटी एंड इरेस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन। बस समझो क्या हो रहा है कि जो इंडिका वाला जियोग्राफिकल रेस की वेराइटी है, मतलब जो धान है, ये क्या होता है, ये टाल स्टेचर होता है, मतलब इसकी लंबाई खूब ज़्यादा होती है, बड़े लंबे लंबे धान होते हैं। इनका स्टेम वीक होता है, अगर तेज़ी से हवा चल जाएगी तो ये ज़मीन पर लोट जाएंगे। इलांगेटेड ग्रेन होता है, इनका ग्रेन जो होता है बहुत इलांगेटेड होता है, मतलब बड़ा बड़ा ग्रेन होता है, मोटा मोटा ग्रेन होता है। ड्रॉपी लीव्स होती हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीचे को ऐसे ऐसे झुकी हुई होती हैं, ठीक, लीफ कैसी होती हैं, इस टाइप के धान की गिरी हुई होती है, मतलब ऐसे नीचे को ऐसे गिरी रहती है, ऐसे मेन स्टेम है, ऐसे गिरी रहेंगी, वो सीधी सीधी नहीं रहती हैं, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ गिरी रहती हैं, तो ड्रॉपी लीव्स होती हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो होती है। उसके बाद जो दूसरा जियोग्राफिकल रेस है ओराइजा सेटाइबा का, वह है जपोनिका। ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान, ये ज़्यादातर जापान में ग्रो किया जाता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला तो इसका शॉर्ट स्टेचर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा पौधा नहीं होता है, ड्वार्फ पौधा होता है। इसका स्टेम जो होता है स्टर्डी होता है, मतलब इतनी आसानी से नहीं गिरता है, अगर आंधी वाधी आएगी तो बहुत आसानी से नहीं गिरेगा। नैरो इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लीफ, इसकी डार्क ग्रीन लीफ होती है और ये इंडिका की जैसे ऐसे गिरी नहीं होती है दोनों तरफ, वो सीधी सीधी लीफ होती है, ऐसे हल्का सा झुकाव होता है, ज़्यादा झुकाव नहीं होता है, इरेक्टेड लीफ होती है इसकी। उसके बाद फिर देखो, रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन हैविंग हाइस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है जापानिका वाली जो रेस है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी खूब अच्छी होती है। ग्रेन का जो शेप होता है वो ओवल शेप टू राउंड शेप होता है, ठीक, अंडाकार से लेके राउंड शेप का इसका क्या होता है, राइस के ग्रेन का शेप होता है। फिर अगला जो तीसरा रेस है जियोग्राफिकल रेस, वो कौन सा है, वो है जमानिका या बालू राइस, इसको हम बोलते हैं जमानिका या बालू राइस। इसको ज़्यादातर इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। ये फ्यू टिलर होता है, इसके अंदर टिलर कम निकलते हैं, मतलब फ्यू टिलर मतलब जैसे हमें एक यहाँ धान का एक सीड हमने डाला, तो इसकी टिलरिंग जो होगी, टिलरिंग का मतलब ढेर सारी जमीन से जो ब्रांच निकलती हैं, इनको हम टिलर बोलते हैं, ये जो निकल रही हैं ये सब, इसको हम टिलर बोलते हैं। तो इसमें टिलरिंग बहुत कम होती है, यानी कि बहुत मोटा थान नहीं बनता है। उसके बाद वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस, ये जो राइस है ये जंगली राइस इसको कहते हैं, वाइल्ड फॉर्म है ये राइस की। हैज़ मेनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड, इसका जो क्रॉप का पीरियड है यानी कि सीड टू सीड वो काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन की ये क्रॉप मानी जाती है। तो ये तीन तरीके के जो आपका था ओराइजा सेटाइबा के जियोग्राफिकल तीन रेसेस थे वो मैंने बताए, कौन कौन से, इंडिका, जवानिका और जापानिका, ये तीन। इंडिका वाला ज़्यादातर इंडिया में ग्रो किया जाता है, जापानिका जापान में ज़्यादातर ग्रो करते हैं और जो जवानिका है ये इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी स्पेसीज है, 24 में से 22 बिना काम की, एक मैंने बता दिया ओराइजा सेटाइबा, अब दूसरी जो बची वो कौन सी है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। ये होता है, इसको नोन एज वेस्ट अफ्रीका ओनली, ये केवल कहाँ पर ग्रो किया जाता है, केवल वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका में इसको ग्रो किया जाता है। इसका जो ओरिजिन है इंडो बर्मा रीजन है, कौन सा रीजन है, इंडो बर्मा रीजन है। ओराइजा ग्लेबेरिमा जो है या ओराइजा सेटाइबा है या राइस है, राइस का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, इंडो बर्मा रीजन होता है। राइस की जो क्रॉप होती है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है,
सेल्फ पॉलिनेटर यानी कि इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और फ्रूट का जो टाइप है वो कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? इसके फ्रूट का टाइप कैरियोप्सिस होता है, और वीट के फ्रूट का टाइप भी कैरियोप्सिस ही होता है। समझ गए बात? इसके बाद द ग्रेन और कैरियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज्ड बाय द लेमा एंड पेलिया। इसके यहाँ पर लिखा है लेमा, एल ई एम ए, लेमा एंड पेलिया प्रोडक्टिविटी कॉल्ड द हुल। बात समझो क्या कह रहा है कि जो राइस का ग्रेन होता है, इसके अंदर राइस का ग्रेन होता है, इसी को हम हस्क बोलते हैं नॉर्मली जब हम डिहस्किंग करते हैं। जब आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो आता है जिससे हम राइस की डिहस्किंग करते हैं, उसमें लिखा रहता है डबल डिहस्कर डबल पॉलिशर। मतलब डिहस्कर मतलब जिससे हस्क को निकाला जाता है, तो उसमें दो प्रोसेस होती है, डिहस्किंग वाली दो प्रोसेस होती है। एक बार डिहस्किंग होगा उसके बाद जो डिहस्किंग होके चावल निकल के आएगा उसको फिर से डिहस्किंग करते हैं। तो मशीन पर लिखा होता है डबल डिहस्कर डबल पॉलिशर, मतलब दो बार ये डिहस्किंग करेगा और दो बार पॉलिश करेगा। तो जो हस्क होता है उसी को हम बॉटेनिकली हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं या हुल बोल दो, जो भी बोल पाओ। और इसमें दो पार्ट होते हैं, जो बीच में इसके अंदर राइस रहेगा। अब ये जो राइस रहेगा उसमें दो पार्ट होते हैं। ऐसे जब आप धान देखेंगे तो धान दो पार्ट में, ऐसे उसका जो हस्क होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं लेमा, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, जब धान को आप तोड़ेंगे बीच में से तो अलग करेंगे, जब उसका हस्क ऐसे निकालेंगे ऐसे फाड़ के इसको इधर इसको उधर करके निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा लेमा, ये जो बड़ा वाला थोड़ा बड़ा सा रहता है इसको लेमा बोलते हैं, और यह रहता जो है वो पेलिया रहता है। तो कभी भी आप जब धान में देखेंगे तो जो पेलिया वाला रहता है ये इसके अंदर पीला रहता है, मतलब इसके अंदर रहता है, और लेमा जो है बाहर से होता है। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो लेमा जो होता है ये बड़ा सा रहता है और पेलिया छोटा सा रहता है। तो लेमा और पेलिया किससे रिलेटेड होता है? हस्क ऑफ राइस से, राइस से रिलेटेड है। राइस के हस्क या हल को लेमा और पेलिया इसमें होता है। टेस्ट वेट जो होता है यानी कि 1000 ग्रेन का जो वजन होता है वो कितना होता है? 25 ग्राम होता है। यानी कि पैडी के अगर 1000 ग्रेन को हम ले लें, उसको हम अगर वजन करें मेजर करें उसका वेट मेजर करें तो कितना मिलेगा? 25 ग्राम मिलेगा। राइस स्टम इज कॉमनली कॉल्ड द हम एंड कॉल व्हिच मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ नोड एंड इंटरनोड। इनफ्लोरोसेंस ऑफ राइस इज पेनिकल व्हिच इज ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट। बस समझो कि राइस का जो स्टम होता है इसको कॉमनली हम हाल्म या काम बोलते हैं, हाल्म या काल्म बोलते हैं। इसके बाद ये जो राइस का स्टम होता है ये नोड और इंटरनोड की सीरीज होती है। ऐसे ध्यान से समझना, ये जमीन से जब निकलता है ग्रो करके धान का धान, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा स्टेम होता है इसको हम बोलते हैं हाल्म। हाल्म के बाद होता है पेनिकल। जो इसका राइस का इन्फ्लोरोसेंस होता है वो कैसा होता है? पेनिकल होता है। वीट का इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है? स्पाइक होता है। अब इसका देखना, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट मतलब इसका जो पेनिकल निकला होता है इसमें स्पाइकलेट ढेर सारे होते हैं। इन्हीं स्पाइकलेट जो होते हैं यही आपका चावल का ग्रेन होता है या धान का ग्रेन होता है। फिर अगला जो हम पॉइंट की बात करें तो क्लाइमेट इसका जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। टाइप सी टाइप का C3 प्लांट है। कैसा होता है? एक तो तीन तरीके के प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। तो ये C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि अगर फोटो पीरियोडिक बेसिस पर देखा जाए तो शॉर्ट पीरियड ए प्लांट होता है। और ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होता है, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, और क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, और C3 टाइप का प्लांट होता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो इट इज़ द बेस्ट कंडीशन टू कल्टिवेट राइस क्रॉप। उसके बाद है सॉयल, क्ले सॉयल और क्ले लोम सॉयल जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉयल में हम इसको ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैंडी सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, पानी बहुत ढेर सारा लगाना पड़ेगा, तो धान की क्रॉप वैसे ज़्यादा पानी चाहती है। और उसमें भी अगर हम ऐसी खेत का चुनाव कर लें जिसको पानी का होल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तब तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको केवल क्ले और क्ले लोम सॉयल में ही ग्रो करते हैं।
एसिडिक सॉइल आर गुड इन राइस कल्टीवेशन। अगर राइस की कल्टीवेशन आपको करनी है तो उसके लिए एसिडिक सॉइल होनी चाहिए जिसका पीएच 4 से 6 के बीच में हो, यानी कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल 4 से 6 के बीच का अगर कोई सॉइल पीएच है तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है राइस की कल्टीवेशन के लिए। एवरेज टेम्परेचर प्लांट ग्रोथ के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। राइस के जो क्रॉप है इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टीवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशन। इंडिया में ज़्यादातर जो राइस कल्टीवेशन वाले रीजन हैं वो लो लैंड रीजन है, मतलब जहाँ पर जल भराव वाली समस्या होती है, जहाँ पर पानी भरा रहता है बरसात के समय में, मानसून के समय पर जहाँ पर पानी भर जाता है वैसे एरिया में राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। राइस इज सेमी एक्वेटिक प्लांट। सेमी एक्वेटिक प्लांट ऐसा होता है जो पानी चाहिए, इसको पानी तो चाहिए। एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं जो पानी में उगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पानी में नहीं उगता है, मतलब इसमें थोड़ा पानी हो थोड़ा मिट्टी हो दोनों का मिक्सचर हो तो अच्छे से ग्रो करेगा। मतलब इसकी जड़ जो है पानी में हो और इसकी जड़ है वो मिट्टी में हो और मिट्टी के ऊपर 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहे, तो इसीलिए इसको सेमी एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ है। बेस्ट अंडर सबमर्ज कंडीशन। सबमर्ज कंडीशन जब जो जमीन है जो फील्ड है वो पानी से भरी हुई हो। अंडर दिस कंडीशन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एरेंथिन्काइमेटस टिश्यूज ऑफ लीफ। तो ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है राइस की क्रॉप के लिए। थोड़ा सा पानी अगर खेत में भरा रहे तो अच्छा कंडीशन माना जाता है राइस की ग्रोथ के लिए। अब सीजन देख लेते हैं। आसू, अमन और बोरो, तीन सीजन में राइस की क्रॉप को ग्रो किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। पहला है आसू जिसका सोइंग टाइम जो है वो अप्रैल से मई है। जो आसू धान होता है इसका सोइंग टाइम क्या होता है, अप्रैल से मई का सीजन होता है। उसके बाद अमन, यही वाला खरीफ सीजन है जो यूपी और बिहार में जो ग्रो किया जाता है। ऐसे समझो इंडिया में ज़्यादातर इसी खरीफ सीजन में ही धान को ग्रो करते हैं। वो कौन सा सीजन है, खरीफ सीजन, जिसको हम अमन बोलते हैं। तो इसका जो सोइंग टाइम है वो जून जुलाई होता है। आसू, अमन और तीसरा है बोरो जिसको हम स्प्रिंग सीजन में करते हैं, इसका सोइंग टाइम नवंबर से दिसंबर होता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। इन नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया के उत्तर और पश्चिम वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो राइस की कल्टिवेशन होती है वो कब होती है, केवल खरीफ सीजन में होती है। क्योंकि फॉल द टेम्परेचर, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है विंटर में वो घट जाता है। अगर विंटर में टेम्परेचर नहीं घटे तो हम इसको विंटर में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है, स्प्रिंग सीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है, इसी वजह से हम इसकी कल्टीवेशन ठंडी में नहीं कर सकते। नहीं तो कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर धान की खेती दो बार हो जाती है एक साल में, क्योंकि वहाँ ठंडी में टेम्परेचर कम नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है और वेस्ट इंडिया है यहाँ पर टेम्परेचर जो स्प्रिंग सीजन वाला होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसी वजह से केवल हम खरीफ सीजन जिसको अमन बोलते हैं, इसी सीजन में जिसकी सोइंग जुलाई से जून से जुलाई के बीच में होती है वहीं पर हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, केवल खरीफ सीजन में। अब हम कुछ वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो राइस से रिलेटेड हैं। उसमें से जो सबसे पहली वेराइटी है वो है पहली ड्वार्फ वैरायटी राइस की जो डेवलप की गई थी पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में राइस की पहली डेवलप्ड वैरायटी कौन सी है, TN1 ताइवान। ये कहाँ डेवलप की गई थी, ताइवान में 1964-65 में। इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी उसी समय उसी पीरियड ऑफ टाइम में ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की गई थी राइस की। कौन सी वैरायटी थी, TN1। कहाँ पर ग्रो की गई थी ये, कहाँ पर डेवलप की गई थी, ताइवान में डेवलप की गई थी। उसके बाद है फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पहली राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी है, वो है IR8। इसको कैसे बनाया गया था, इसको ये एक हाइब्रिड वैरायटी थी IR8। ये फर्स्ट हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस थी जिसको वर्ल्ड में बनाया गया था। क्या है IR8, ये किसके क्रॉस से बनाया गया था, पेटा और डीजीबू जीन के क्रॉस से इसको
बनाया गया था। कहाँ पर बना था? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर में बना था। कब? 1966 के आसपास में ये बना था। लिटरली मीनिंग ऑफ डिजिबुजीन, डिजिबुजीन का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है ब्राउन स्ट्रिप्ड शॉर्ट लेग। ठीक, अब देखो कभी ये पूछा नहीं जाएगा इसका जो मतलब होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो IR8 है ये पहली हाइब्रिड वेराइटी है, और पहली जो ड्वार्फ वेराइटी है वो कौन सी है? वो TN1 है, सबसे हाइब्रिड ये ड्वार्फ वेराइटी है। हाई यील्डिंग या हाइब्रिड वेराइटी IR8 है। किसके क्रॉस से बनाई गई थी? पेटा और डिजिबुजीन के क्रॉस से बनाई गई थी। कहाँ बनाया गया था? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। और 1964 में इंडिया में टाइचुंग नेटिव T11, जो TN1 वाली वेराइटी है, ये इंडिया में आई थी। और इसी की वजह से जब ये वेराइटी ताइवान से इंडिया आई, तो इंडिया में जब ये वेराइटी आ गई राइस की, तो इसी की वजह से राइस में इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हो गया। देख देख के लोग ऐसा इम्प्रूवमेंट काम करने लगे जिससे आज हम ढेर सारी वेराइटी राइस की डेवलप कर पाए हैं। तो सबसे पहला जो मोटिवेशन किसने दिया था? TN1 ने। जब TN1 इंडिया में आया तो हमने इससे और भी ढेर सारी वेराइटी बनाई। अब IR8 वॉज द सेकंड इंट्रोड्यूस वेराइटी इन इंडिया फ्रॉम IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस, 1965 में IR8 जो वेराइटी है ये इंडिया में आई थी। पहली कौन सी वेराइटी आई थी? पहली वेराइटी TN1 आई थी। उसके बाद जो दूसरी वेराइटी आई वो IR8 आई इंडिया में। ये दोनों इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब एक ताइवान से आई थी और दूसरी कहाँ से आई थी? मनीला, फिलीपीन से आई थी, IRRI से। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग वेराइटी, जो अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी। अब इंडिया में जो सबसे हाई यील्डिंग वेराइटी बनाई गई वो थी जया। वो कब बनी? 1968 में, 1968 में बनाई गई। किसने बनाया? डॉक्टर शास्त्री ने बनाया। किसके क्रॉस से बनाया? TN1, जिसको हम ताइवान से लेके आए थे, और टाइप 141, इन्हीं दोनों के क्रॉस से हमने बनाया भारत का पहला हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी जया। ठीक, उसके बाद इट इज गुड यील्डर एज कंपेयर टू TN1। अब जब हमने इस वेराइटी को बनाया तो हमने भले कॉपी करके बनाया, लेकिन जब हमारी वेराइटी बनके तैयार हुई तो ये TN1 और IR8 से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वेराइटी थी। कौन सी वेराइटी? जया। इसीलिए इसको बोलते हैं मेरिकल राइस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ये TN1 से ही बनाई गई थी और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही थी। TN1 और IR8 दोनों से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली ये वेराइटी थी। कटक उड़ीसा में है। इन्वॉल्व टू वेराइटी, कटक उड़ीसा में दो वेराइटी और बनाई गई, एक मलिंगा, एक मसूरी। ये दो वेराइटी जो है और बनाई गई कहाँ पर? उड़ीसा में बनाई गई। फिर म्यूटेंट ड्वार्फ वेराइटी एक बनाई गई राइस की, वो कौन सी थी? जगन्नाथ। और दूसरी एक वेराइटी बनाई गई, वो उसका नाम था सतारी। क्या? सतारी और जगन्नाथ ये राइस की म्यूटेंट ड्वार्फ वेराइटी, यानी कि म्यूटेशन के थ्रू इसको बनाया गया, ड्वार्फ नेचर की वेराइटीज़ हैं, धान की वेराइटी हैं जगन्नाथ और सतारी, ये दो वेराइटी हैं। उसके बाद वेराइटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, मतलब राइस की जो क्रॉप होती है इसको पहले एक बार हम नर्सरी में ग्रो करते हैं। नर्सरी में जब ये क्रॉप ग्रो हो जाती है तो उसके बाद इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जनरली ऐसा किया जाता है राइस में, लेकिन राइस की कुछ ऐसी वेराइटीज़ भी हैं जिनको डायरेक्ट हम सीडलिंग ग्रो करते हैं, जैसे गेहूं में करते हैं, गेहूं के ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कर दिया और जम गया, फिर उसी तरीके से करते हैं धान में भी। वो कौन कौन सी वेराइटी है? बाला है, कावेरी है, नगीना 22 और पूसा एक, सॉरी दो एक, दो दो एक, पूसा दो दो एक। ये जो तीन चार वेराइटीज़ हैं इसको हम डायरेक्ट सीडलिंग के लिए, डायरेक्ट सीडिंग के लिए यूज करते हैं। एक बार ऐसे बुआई कर दो, ट्रांसप्लांटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद है BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के टॉलरेंट वेराइटी TKM6 है। TKM6 राइस की एक ऐसी वेराइटी है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति टॉलरेंट वेराइटी है। फिर सैलिनिटी के प्रति, यानी कि सोडियम अफेक्टेड सॉइल के लिए कौन सी वेराइटी ऐसी है जो टॉलरेंट कर देती है?
वो है IR8 और लूना श्री। IR8 वही मनीला फिलीपींस वाली वेराइटी जो विदेश से इंट्रोड्यूस की गई थी, और लूना श्री जो इंडिया में एक और वेराइटी बनाई गई। ये दोनों सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप थी। कैसी थी? ये दोनों सेलिनिटी के प्रति टॉलरेंट थी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सुटेबल फॉर वाटर लॉगिंग एरिया। अगर हमको राइस की क्रॉप ग्रो करनी हो ऐसी जगह पर जहाँ वाटर लॉगिंग की कंडीशन रहती है, तो वहाँ पर हम जलमग्न बोते हैं। नाम से पता चल रहा है जलमग्न, मतलब जितना ही जल मिलेगा इसको उतना ही ये मगन रहेगा। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती, बासमती की जो पहली हाइब्रिड वेराइटी बनाई गई वो कौन सी थी? PRH10। PRH10 बासमती की पहली हाइब्रिड वेराइटी थी जो बनाई गई। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, राइस का पहले हाइब्रिड वेराइटी कौन सी थी जो इंडिया में डेवलप की गई? वो थी CORH1। ये 1994 में बनाया गया। समझ गए बात? उसके बाद है वेराइटी रिलीज्ड फ्रॉम IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो वेराइटी बनाई गई राइस की, वो कौन सी थी? Norin 8, Norin 18, Pusa 2, 21 एंड Basmati 370, Pankaj IR20। ये सब वेराइटी कहाँ से निकाली गई? IARI से निकाली गई। फिर उसके बाद Pusa Basmati 1, एक वेराइटी है राइस की Pusa Basmati 1। ये वर्ल्ड की पहली हाइल्डिंग डॉर्फ वेराइटी है जो क्वालिटी राइस है, यानी कि महकने वाला धान होता है बासमती वाला धान, जो दुनिया का पहला हाई यील्डिंग डॉर्फ वेराइटी थी, जिसको डेवलप किया गया इंडिया में IARI के द्वारा। किससे? कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के मेथड से इसको डेवलप किया गया। फिर और दूसरी जो वेराइटी है जैसे पद्मा है, ये अपलैंड रीजन के लिए है जहाँ पर पानी कम मिलता है। उसके बाद पंकज है, वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए भी अच्छी अच्छी वेराइटी है। फिर रत्ना है, साबरमती है, ये सब और वेराइटीज़ हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। राइस की आपकी जो क्रॉप है अभी ख़त्म नहीं हुई है, अगले वीडियो में हम फिर से राइस की क्रॉप का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सक्सेस बिजनेस स्मार्ट लर्निंग क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर।